हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमिक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इसके पहले कि MI A2 का मैंने बताया था पांच ऐसे रीजंस जो आपको MI A2 खरीदने से मना कर सकते, मना तो नहीं कर सकते, अच्छा पैकेज है वो, कुछ ऐसे रीजन है जिन्हें आपको जानना चाहिए था। वैसे ही आज मैं नोवा 3i जो कि हुआवे का स्मार्टफोन है वो लोग लाने वाले हैं 7 अगस्त को इंडिया में, उसके बारे में भी एक वीडियो आज हम बना देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि कौन से ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है नोवा 3i खरीदने से पहले। हुआवे का जो एक मिड रेंज का स्मार्टफोन है जो कि उनके नए वाले किरीन 710 प्रोसेसर के साथ आया हुआ है, जो कि एक फ्लैगशिप और मिड रेंज के बीच वाला प्रोसेसर है दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नोवा 3i एक खराब स्मार्टफोन है, ये किरीन 710 के प्रोसेसर के साथ है जैसे मैंने पहले ही कहा, और एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है उसको खरीदने से पहले। तो ये सब जानने के लिए वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखें, और पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें, और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबाएं, और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो हुआवे और हॉनर के सारे फ़ोन्स के साथ आता है, ये पहले भी इशू थे और अभी भी इशू है दोस्तों इसकी बैटरी का। मैंने अभी तक कोई हुआवे और हॉनर का फ़ोन मुझे नहीं आता है कि कोई देखा हो जिसकी बैटरी 4000 mAh है उससे बड़ी हो। दोस्तों इसका भी बैटरी जो है वो 3500 भी नहीं क्रॉस कर रहा है, 3340 mAh की बैटरी है, जो कि आजकल के यूजेस के हिसाब से देखो लोग स्मार्टफोन बहुत यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पूरे दिन चलने वाला है नहीं दोस्तों। तो ये एक प्रॉब्लम है, 3340 mAh की बैटरी मेरे हिसाब से 3500 के ऊपर या तो कम से कम 4000 का देना चाहिए था इनको दोस्तों, लेकिन वो इन लोगों ने दिया नहीं है। अगर बाकी ब्रांड के स्मार्टफोन देखोगे आज तो Xiaomi के फ़ोन्स जो हैं वो 4000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे देखो मोटो के फ़ोन्स देखो वो भी 4000 से 5000, Asus Zenfone Max Pro M1 ये भी 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। तो ये फ़ोन्स जो 4000-5000 वाले हैं दोस्तों ये डेढ़ से दो दिन चल जाते हैं, लेकिन अगर 3300 mAh की बैटरी है, 3500 mAh की बैटरी, ये पूरे दिन अच्छे से चलती नहीं है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से 4000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी जहाँ पे वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं दोस्तों। अगला आज का पॉइंट देखिए दोस्तों, तो दूसरा है ये जो सारे फ़ोन्स के साथ आ रहा है, सारे ब्रांड्स आजकल लेकर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर 20-22 हज़ार का स्मार्टफोन है तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इन लोगों ने किया हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी एक बार में आप या तो दो सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो या फिर एक सिम कार्ड और SD कार्ड। तो अगर आप 4GB 64GB वाला लेते हो दोस्तों तो इनफ है, बट कुछ लोगों के लिए मेरे ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं या जिनकी यूजेस बहुत हैवी होती है दोस्तों, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप इसमें ऑब्वियसली हर कोई आज तो मैक्सिमम 99% लोग दो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो दोनों सिम कार्ड अगर आप इसमें डालोगे तो वहाँ पर फिर SD कार्ड आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और 64GB ज़्यादा है, बट कुछ टाइम बाद जो थोड़े हैवी यूज़र्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इसमें इन लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं देके एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा इशू कर दिया है जो कि मैक्सिमम स्मार्टफोन्स में अब आ रहे हैं, लेकिन अगर उसके बदले अगर Asus Zenfone Max Pro M1 देखोगे तो उसमें उन लोगों ने डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिया है जो 2 TB तक आप बढ़ा सकते हो दोस्तों, तो वहाँ पर उन लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन हुआवे यहाँ पर मार खा जाता है दोस्तों इस चीज़ में। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट तो आजकल एक ट्रेंड है, लेकिन दोस्तों कुछ कंपनीज को अगर 22-23 हज़ार का स्मार्टफोन निकाल रहे हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4GB 64GB वाला स्मार्टफोन लेते हो तो सबके लिए वो जो कम यूज़ करते हैं ठीक ठाक यूज़ करते हैं उनके लिए तो इनफ है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा यूज़ करने वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद अगर वो 6GB 128GB पे जाएंगे तो उसका प्राइस 24-25 हज़ार के आसपास है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 4GB 64GB वाला अगर हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हो 256GB तक, लेकिन फिर दो सिम कार्ड आप यूज़ कर नहीं पाओगे, तो ये एक इशू क्रिएट करेगा दोस्तों। अगला प्रॉब्लम बड़ा है, ये हुआवे के साथ प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ, जो कि इन लोगों ने इसमें फास्ट चार्ज दिया नहीं है दोस्तों। अब 22-23 हज़ार के फ़ोन में अगर आप फास्ट चार्ज नहीं देते हो तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आप देखो 3340 mAh की बैटरी है, पूरे दिन नहीं चलेगी। इसके पहले मैंने MI A2 में ये चीज़ कही थी, वो एक अच्छा स्मार्टफोन है, स्टिल मैंने उसके लिए कहा था कि 3000 mAh की बैटरी स्टिल फास्ट चार्ज, वो भी एक इशू था उनके लिए, मैंने उसके लिए इशू बना दिया था। तो अब ये तो फिर 3300 mAh की बैटरी है और यहाँ पे फास्ट चार्ज भी नहीं दिया है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इसमें फास्ट चार्ज देना चाहिए था, इसके साथ 10W का चार्जर दिया हुआ है जो कि 5V है 2A वाला है दोस्तों, वो भी फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता, मतलब फास्ट चार्ज सपोर्ट भी नहीं दिया है, फास्ट चार्जर भी नहीं दिया है, तो दोनों तरह से प्रॉब्लम है। ये उनको देना चाहिए था, 20-22 हज़ार के फ़ोन है तो उसमें एटलीस्ट देना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो इन लोगों ने नहीं दिया है। बाकी MI A2 के लिए लोग फास्ट चार्ज 4 दिया उन लोगों ने इंडिया के लिए, मतलब उन लोगों को मालूम है कि इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों। बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो 20-22 हज़ार के वो फास्ट चार्ज के साथ आते हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया है, ये एक बड़ा इशू बन रहा है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे हिसाब से इनको देना चाहिए था दोस्तों।
लास्ट और सबसे बड़ा इशू दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो वो है जो इन लोगों ने एक्चुअली शो ऑफ करने की कोशिश की है, बट वो सबसे घटिया है मेरे हिसाब से। क्यों? कैमरा। इन लोगों ने कहा कि 4 कैमरा दिए हुए, लेकिन 4 कैमरा मेरे हिसाब से एक गिमिक है, जो कि जिसमें एटलीस्ट इसमें 2 ही कैमरा है दोस्तों, एक फ्रंट में एक बैक में। रियर कैमरा की बात करें दोस्तों तो 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जिसमें 16 मेगापिक्सल वाले का अपाचर f2.2 का है, जो कि एक नॉर्मल अपाचर है, बहुत अच्छा नहीं है। वो PDF लेंस के साथ आता है दोस्तों, और उसके साथ जो 2 मेगापिक्सल वाला दिया है कहते तो डेप्थ सेंसिंग के लिए, लेकिन वो एक गिमिक है, एक मजाक के लिए दिया हुआ है, उसका कोई यूज़ है नहीं दोस्तों। सेम वैसे ही फ्रंट साइड में आओगे तो वहाँ पे 2 कैमरा दिया हुआ है 24+2 मेगापिक्सल का, तो फिर वही 24 मेगापिक्सल वाला PDF सेंसर है उसमें, और वो उसका अपाचर f2.2 का है, लेकिन उसके साथ जो 2 मेगापिक्सल वाला दिया है डेप्थ सेंसिंग बोलकर, वो भी एक मजाक ही है दोस्तों, एक गिमिक किया, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसके पहले भी एक आया था Honor 9 Lite, उसमें भी इन लोगों ने 4 कैमराज दिए थे, लेकिन वो 4 कैमरा में 2 एक गिमिक की मजाक ही थे दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है। और इसकी क्वालिटी जो अभी टेस्ट हुए हैं दोस्तों, उसमें भी ये 20-22 हज़ार के मोबाइल से अगर MI A2 से कंपैरिजन करो तो उसके सामने टिकता नहीं है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि कैमरा इसका कोई कमाल का है। 4 कैमरा दिया हुआ है बट सिर्फ नाम के लिए दोस्तों, तो ये बेचना तो चाहते हैं कैमरा के नाम पे, लेकिन मुझे नहीं लगता है बिकेगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल स्मार्टफोन अच्छा है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, AI सपोर्ट भी दिया है कैमरा में, लेकिन 4 कैमरा के नाम पे जो बेचना चाह रहे हैं ये लोग, वहाँ पे ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो 2 कैमरा जो हैं 2-2 मेगापिक्सल वाले, वो सिर्फ एक मजाक ही है दोस्तों, वहाँ पर उनका कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों 4 ये पॉइंट थे Nova 3i के, जो कि इंडिया में लॉन्च हो गया है और आपको 7th of August से मिलना चालू हो जाएगा। फ़ोन बहुत अच्छा है, मैंने नहीं कहा कि फ़ोन ख़राब है, लेकिन ये 4 पॉइंट है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक नॉर्मल कैमरा है, फास्ट चार्ज नहीं दिया है, ठीक ठाक बैटरी है, आज के हिसाब से कम है, और हाइब्रिड सिम स्लॉट, ये 4 पॉइंट है जिस पर ध्यान ज़रूर दीजिए आप लेने से पहले। अगर आप ये सारी चीज़ें चल जाती हैं आपको तो प्लीज़ स्मार्टफोन ले लीजिए, नहीं चलती तो बहुत सारे ऑप्शंस इस रेंज में है। MI A2 भी आने वाला है उसके एक दिन बाद ही, तो उस पर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे स्मार्टफोन आएंगे उस टाइम में। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे, Nova 3i कैसा लगा वो भी बताइए दोस्तों। अभी प्री बुकिंग चल रहा है, अगर आप करते हो अभी प्री बुकिंग तो 1000 का आपको ऑफ मिल जाएगा उस पर, और बाद में अगर लोगे तो पूरा 21,000 पे करना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, साइड में मेरा वेक्टर इमेज है देखो गोल साइड में, जिस पर क्लिक करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।